वेलकम यू गाइस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ पावर एकेडमी। जैसा आप लोग अभी आप लोग सबको मालूम है कि जो COVID-19 का जो प्रकोप बोलिए, जितनी भयावह स्थिति में पूरे ग्लोबल में ये प्रॉब्लम चल रहा है, खासकर आप देख रहे हैं जब यूएसए इतना टेक्नोलॉजी, इतना सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड है, तब उन्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है, चीज़ों की सप्लाई नहीं हो पा रही है और उनके पास दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया में हम लोग अगर गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे और उनका जो कहना है कि आप ऐसो लॉकडाउन में हैं अभी 21 दिन तक, तो मैं यही बोलूंगा आप लोग सबके साथ कि कम से कम ये 21 डेज को बहुत अच्छे से आप लोग गवर्नमेंट के डिसीजन को फॉलो करें, अपने आप जहां हैं वहीं रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो जहां हैं वहीं बने रहें, और जो आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि जो अर्बन एरिया से जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल की ओर, ये बहुत नहीं कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो मैं गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहता हूँ कि उनका ऐसो कुछ सॉल्यूशन निकाले और उनको अपने स्थल तक पहुँचाने का कुछ अरेंज करे, मेरा ये गवर्नमेंट से ऐसो अपील है। और चलिए मैं जल्दी से अपने करंट अफेयर्स की ओर बढ़ता हूँ, अपने टैगलाइन के साथ, अपने स्लोगन के साथ। यूथ पावर आईएएस का जो स्लोगन है, स्टे एट होम, स्टडी एट होम, ये स्लोगन के साथ चलिए करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। करता था वहां पे क्या बोला जाता था कि नहीं, आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन अब जो है आप देखेंगे कि इधर फिट इंडिया मूवमेंट कैंपेन चला, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये जो कैंपेन चला, इसका क्या मतलब है, फिट कैसे रह सकते हैं? तो इसका उस जो कैंपेन में बताया गया कि जो जब हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, खेलकूद करते हैं अपने जीवन में, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अपने आप को फिट रखने में। और ऑब्वियस बात है, जब आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आपकी जो मानसिक दशा होगी बहुत अच्छे से अपने वर्क पे काम करेगी, ठीक है, बहुत अच्छे से आप जो इफिशेंसी बोल सकते हैं, आप अपने वर्क में आपका इफिशेंसी बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो मैं सबको यही बोलूँगा कि एटलीस्ट 1 आवर अपने ऐसा बॉडी पे दे, अपने लिए दे। सुबह के जो 1 घंटे होते हैं, कोशिश करें कि मॉर्निंग में 1 घंटा आप जरूर एक्सरसाइज करें, वर्क करें, जिम जाएं, जिसको जो अच्छा लगता है, योगा करें। लेकिन जो 1 आवर है अपने शरीर के लिए जरूर दे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत जानने की ज़रूरत है। और फ्यूचर क्लासेस में या फ्यूचर मॉड्यूल्स में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि फिटनेस का राज क्या होता है, किस तरीके से अपने आप को फिट रखा जाता है, ठीक है, आप किस तरीके से बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ मैं फ्यूचर में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, अपनी अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी हम लोग चूंकि यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। तो आप लोग जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम देखे थे, इट इज़ अनाउंस्ड बाई माननीय प्राइम मिनिस्टर बाई मोदी, ठीक है, तो इन्होंने अनाउंस किया था। अब इसके बारे में आपको ये जानना है कि ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो पीएम लॉन्च द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, पीएम लॉन्च द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी एट उड़ीसा कटक, ठीक है, उड़ीसा में कटक में ये स्टार्ट किया गया, ठीक है, उड़ीसा के कटक में, ये ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में कटक। तो ये आपको जानने की जरूरत है कि उड़ीसा में कटक में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ मुझे थोड़ा भी एक्चुअली बताते बताते ध्यान हुआ कि जो वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जो पहला टॉपिक मैं बताया था, उसमें एक चीज़ मिस कर गया था, वो आप थोड़ा सा जान लें, इसको मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसकी थीम्स क्या थी, ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे मैं मिस कर गया था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ। जो वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जो था, उसका जो थीम था वो आप थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे, फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस, फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस, ये जो थीम था एक्चुअली वो वर्ल्ड एजुकेशन
फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में ये 2019 में दिया गया था। ये एक्चुअली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये ध्यान में आया कि यहाँ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस वर्ड मुझे एक्चुअली क्लिक किया तो मुझे याद आया कि वो चीज़ मैं आपको नहीं बताया था वहाँ पे। तो इस तरीके से ये थीम को आप देख लेंगे। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में भी हम लोग में बात हो रही थी, तो ये जो है पीएम लॉन्च द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी एट उड़ीसा कटक, जो मैं आप लोग को बताया कि कटक में इसे लॉन्च किया गया बाई पीएम मोदी, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है उसके बारे में एक चीज़ और आप लोग समझ लें, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हाँ, तो इसमें एक्चुअली इट ये जो है एक्चुअली ये क्या करता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है बैलेंस्ड करना है, बैलेंस्ड करना है किसके किसके बीच, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। यानी कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स को बैलेंस करना है पूरे अपने डेली रूटीन जो आपका होता है उसमें, एजुकेशन और स्पोर्ट यानी आप अगर कोई कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो अपने जीवन को बैलेंस्ड रखना चाहिए एजुकेशन, तो ये ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको बताते हैं, एक चीज़ और मैं इसके बारे में आप लोग को बताना तो चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट कौन इसे करता है, तो इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेड कौन करता है, तो आप देखेंगे कि बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, खेलो इंडिया। अब एक चीज जो अवार्ड मिलता है इसमें, एक इसमें अवार्ड का भी कॉन्सेप्ट है कि आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिवॉर्ड क्या है कि प्रोवाइडेड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 लाख पर एनम फॉर 8 ईयर्स। जो टैलेंटेड प्लेयर है, सबको नहीं मिलेगा, जो वहां पे अच्छा करेंगे जो टैलेंटेड होंगे उन्हें 5 ईयर्स पर एनम मतलब 5-6 लाख रुपया हर साल 8 सालों तक मिलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, जो टैलेंटेड है, जो अपने खेल में बहुत अच्छे हैं, वैसे वैसे कोच सेलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है वो उसे वैसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे और उसे फ्यूचर में ओलंपिक में एशियन में गोल्ड मेडल जीते, इनके लिए उन्होंने क्या करेंगे कि उन पे है सो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट के रूप में उन्हें क्या करेंगे कि 8 सालों तक 5-5 लाख रुपया उन्हें देंगे। यानी आप देखिए कि 8 × 5 = 40 लाख, बहुत बड़ी रकम होती है, 40 लाख रुपया उसे इन्वेस्ट उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा कि वो किस तरीके से देश को स्पोर्ट्स के सेक्टर में बहुत अपनी ऊंचाइयों पे ले जाए। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अब हमारा देश स्पोर्ट्स की ओर भी बढ़ रहा है, और पिछले टाइम हम लोग ओलंपिक में भी अच्छा किए, एशियन गेम्स में भी किए, कॉमनवेल्थ में किए, और बाकी जो क्रिकेट के अलावा जितनी भी गेम्स है उसमें हम लोग बहुत ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा, और एक आपको मैं फैक्ट बॉक्स, जो कोरोना वायरस चल रहा है तो हमारा जो एक सिस्टम है यहाँ पे, हम लोग एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किए जिसे फैक्ट बॉक्स बोला जाता है, ठीक है, फैक्ट बॉक्स। तो फैक्ट बॉक्स में आप लोग को एक चीज़ मैं बता देता हूँ फैक्ट के रूप में, जो कोविड 19 जो स्टार्ट हुआ, जो पूरे वर्ल्ड में जो भयावह स्थिति पैदा हो गई, तो फीफा ने क्या किया, फीफा जो फुटबॉल फेडरेशन है फीफा, उन्होंने क्या कि 28 प्लेयर्स को एक्चुअली कोविड 19 के लिए है सो अवेयर करने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, ठीक है। तो उस कैंपेन को चलाने में उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के जो फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम इन इंडिया, उन्हें क्या किया, सुनील छेत्री को भी उन्होंने ऐड किया, ठीक है, इस 28 प्लेयर्स में। तो इनका भी ऐसो इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए कि ऐसो आप ऐसो अपने किक आउट करें, यानी कोरोना वायरस को किक आउट करें अपने जीवन से, तो ये कैंपेन स्टार्ट हुआ फीफा जो फुटबॉल फेडरेशन है,
ठीक है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने उनके द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया, उसमें सुनील सेत्री को भी ऐसो उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट बॉक्स है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। वो टॉपिक का नाम है फूड प्लैनेट प्राइज। ये फूड प्लैनेट प्राइज क्या है? तो आप फूड प्लैनेट से समझ रहे होंगे, प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह, यानी जिसको प्लैनेट बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उस तरीके से जो इसमें बोला गया वर्ड को मैं तोड़ रहा हूँ। एक्चुअली फूड प्लैनेट, फूड प्लैनेट का मतलब कि जहाँ खाने का ग्रह हो। तो खाने का जो ग्रह है, एक्चुअली ऑब्वियस ही बात है, ये अपना अर्थ ही है। ठीक है, तो फूड प्लैनेट के बारे में क्या है? ये एक्चुअली रिलेटेड है फूड से, है फूड से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो फूड प्लैनेट प्राइज है रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी से। ठीक है, तो इसमें जानने वाली बात ये है, जो फूड प्लैनेट है एक्चुअली ये जो दिया जाता है एक्चुअली स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें क्या अवार्ड क्या दिया जाता है। तो इसे दिया जाता है $1 million क्रिएटेड 2 million प्राइज नेम्ड फूड प्लैनेट प्राइज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ फीड बिलियंस ऑफ पीपल। यानी कि इसमें फूड सिक्योरिटी का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि लोगों को जो फीडिंग मिल सके, ठीक है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है इस प्राइज को देने का। ठीक है, स्वीडन में स्टार्ट है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है फूड सिक्योरिटी के रूप में। और इसके आप देखेंगे तो ये एक्चुअली ये एड्रेस क्या कर रहा है, एक्चुअली इसका एड्रेस क्या है, जो मैं बताया कि एड्रेस बोलिए, ऑब्जेक्टिव बोलिए, एक्चुअली क्या है, जो आप देखेंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज में जो के कारण जो फूड सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम्स होते जा रहा है पूरे ग्लोबल एरिया में, पूरा ग्लोबल एरिया रीजन में, वहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे कि ये जो प्राइजेज है वो प्राइजेज अवेयर करने के लिए दिया जा रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज के बावजूद आप फूड सिक्योरिटी को कैसे इनहेंस करेंगे, वो चीज़ इस फूड प्लैनेट प्राइज में बताया जाता है। और उस दरमियान है सो दो बेस्ड होता है देने का, उस अकॉर्डिंग इसे पैरामीटर्स होता है उस पे ये दिया जाता है। जो पहला बेस्ड होता है वो आप देखेंगे 2 कैटेगरी होता है, जो एग्जिस्टिंग है, एक्चुअली एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है फूड के लिए हमारा, उसको स्केल करना है, उसको स्केल्ड करना है, यानी उसे बढ़ाना है, उसको अपने स्तर से उस फूड सिक्योरिटी का जो कंडीशंस है अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है इस ग्लोबल में, उसे इन्हेंस करना है। और जो दूसरा कैटेगरी है उसमें आप देखेंगे कि उसमें इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है कि इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया जाए, उसमें इनोवेटिव इनिशिएटिव। यानी आप देख रहे होंगे इसमें दोनों कॉन्सेप्ट दिया है कि जो फूड सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे है सो हम लोग उसे ऐसे ठीक करें, उसे अपलिफ्ट करें, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको स्केल्ड करें, उसे बढ़ाएं। ठीक है, और जो नए तरीके से इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लाए उसमें R&D करें, किस तरीके से चीज़ों को ऐसा और अच्छा किया जा सकता है, तो इनोवेटिव इनिशिएटिव वहाँ पे लेना है। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी में इस प्राइस को बांटा जाता है, जो जिस कैटेगरी में लाई करते हैं उन्हें वो अवार्ड दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा है सो फूड प्लैनेट प्राइजेस है वो यहां पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ये सब आप ध्यान रखेंगे फॉर द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसो जो महादई जो वाटर डिस्प्यूट है गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, एक्चुअली उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ठीक है, मतलब वो जो डिस्प्यूट है, तो आपको मालूम होगा कि जो बाय द आर्टिकल 262 जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो होता है 262 आर्टिकल में, उनका जो है सो डिसीजन होता है बाइंडिंग इन नेचर होता है। यानी कि जो आर्टिकल 260 तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, जो 262 आर्टिकल जो आप बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो काउंसिल होता है वो 262 में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, अगर आप फैक्चुअल वहाँ क्वेश्चन पूछ दे तो ये आप चीज यहाँ ध्यान रखेंगे। तो जो मानदेही वाटर है एक्चुअली जो डिस्प्यूट है किनके बीच है, तो सबसे पहला गोवा, कर्नाटका एंड
महाराष्ट्र, ये तीन स्टेट के बीच ही एक्चुअली मानदेई रिवर का जो डिस्प्यूट है तीन रिवर के बीच है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को कुछ चीज़ें जान लेनी है जो भी हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो टसल मैं आपको बताया था कि किन किन तीन स्टेट के बीच है, तो गोवा है, ठीक है, गोवा, ठीक है, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। उसमें अब चीज़ देखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा और मैं आप लोगों को कुछ एक्चुअली राइट डाउन नहीं करता हूँ, आप लोगों को मैं बोल देता हूँ उसे, आप राइट डाउन मैं स्लो स्लो डिक्टेट करा दे रहा हूँ, वो चीज़ आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाता है कि किस इस वाटर में किन किन स्टेटों के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है सो रिवर्स है उनका नाम मैं और उस कौन कौन से स्टेट से है सो डिस्प्यूट चल रहा है वो चीज़ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, वो आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कि इतनी चीज़ें मैं लिखूँ उससे अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, ठीक है। तो पहला जो है रावी एंड ब्यास, जो रावी एंड ब्यास रिवर है वो किन किन स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है वो आप लोग प्लीज़ राइट डाउन। जो रावी एंड ब्यास है, स्टेट का नाम है पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, इन तीनों स्टेट के बीच जो वाटर का जो है सो जो डिस्प्यूट चल रहा है कि कौन कितने वाटर को यूज़ कर सकता है, कितना परसेंटेज यूज़ कर सकता है रावी और ब्यास रिवर का, ये इन तीनों स्टेट के बीच ये डिस्प्यूट चल रहा है पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। उसके बाद जो दूसरा रिवर है उनका नाम है नर्मदा, ठीक है, वो किन किन स्टेटों के बीच है सो ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। जो नर्मदा रिवर है उनका जो डिस्प्यूट चल रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ओके। एंड नेक्स्ट वन कृष्णा रिवर, ओके, कृष्णा रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नासिक, ओके, महाबलेश्वर, वहाँ से ये कृष्णा रिवर निकलती है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से, ठीक है। तो वो जो कौन कौन से जगहों से ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है वो आप फिर से राइडाउन कर लेंगे कृष्णा रिवर का, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। जब तेलंगाना जब आफ्टर आंध्र प्रदेश से जब ऐसा अलग होके बना तो तेलंगाना भी इस डिस्प्यूट में ऐसा शामिल हो गया, ठीक है। उसके बाद बाम सहद्रा एक रिवर है जो दो स्टेटों के बीच है सो उनका है सो डिस्प्यूट चल रहा है, वो है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आप कावेरी रिवर पे आ जाएंगे, कावेरी रिवर में जो स्टेट में डिस्प्यूट है वो है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है कावेरी रिवर पे चल रहा है। उसके बाद गोदावरी रिवर पे आएंगे, गोदावरी रिवर का जो डिस्प्यूट है वो महाराष्ट्र में चल रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये काफ़ी एक्चुअली गोदावरी रिवर को हम आपको इसलिए आप एक चीज़ और मैं इसमें कुछ फैक्ट्स आपको दे देना चाहता हूँ कि गोदावरी रिवर को एक्चुअली साउथ का गंगा बोला जाता है, ठीक है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो डिस्प्यूट है, गोदावरी रिवर इज़ वेरी लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ, इसलिए जो डिस्प्यूट है आप देख रहे होंगे कि बहुत से स्टेटों के बीच है जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। उसके बाद महानदी की बात करें, जो महानदी के सराउंडिंग में जो चिल्का झील है वहाँ पे जो हिंड महानदी में जो हीरा कुंड जो आप डैम देखेंगे, हीरा कुंड डैम, वो महानदी पे ही सिचुएटेड। ये सब मैं कुछ फैक्ट्स आपको दे दे रहा हूँ महानदी में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा कन्फ्लिक्ट है महानदी में, ठीक है, हीराकुंड जो डैम है वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है महानदी में। उसके बाद महादई जो गोवा में आपको मैं अभी जो बता रहा था महादई वाटर डिस्प्यूट वो किन किन के बीच है, वो है गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, जो मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका। उसके पेरियार जो है वो तमिलनाडु और केरला, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये देखेंगे कि जो पेरियार रिवर एक जो रिवर है पेरियार, कुछ फैक्ट्स बॉक्स पे फिर कुछ हमें आपको बताना चाहता हूँ, जो पेरियार्स है, ठीक है, जो नर्मदा रिवर्स है और जो तापी रिवर है, इनका जो फ्लोइंग स्ट्रीम है एक्चुअली वो ईस्ट टू वेस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट नहीं है, यानी कि अरब खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में ये तीनों रिवर्स नहीं गिरती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी बंगाल रिवर के की ओर से ये जाती है आपका अरब की खाड़ी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे
कि जो गल्फ ऑफ अरब है वहां पे ये जाती है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो कौन कौन रिवर है, वो एक नर्मदा, उसके बाद है तापी, उसके बाद पेरियार, इस तरीके से रिवर। बाकी जो रिवर्स है उसका फ्लोइंग जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। बाकी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, बाकी जितने भी है उनका वेस्ट टू ईस्ट है, और इनका जो है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। यानी पूरब से पश्चिम ये नर्मदा तापी और पेरियार चलती है, लेकिन पश्चिम से पूरब ये सब चलती है, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। इस तरीके से आप ये सब चीज़ फैक्ट बॉक्स में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो एक्चुअली जो टॉपिक था उस टॉपिक पे थोड़ा सा बात कर ले कि महादेवी वाटर रिवर में जो एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन है किनको कितना है, उसका जो टोटल ड्रेनेज, अगर मैं बताऊं कि जो ड्रेन एरिया है, ये याद आप लोग रखेंगे महानई नदी का, वो है 2032 स्क्वायर किलोमीटर, ये ड्रेन एरिया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो TMC वाटर जो मिलता है सबसे ज़्यादा किसे मिलता है, तो आप देखेंगे वहां पे सबसे ज्यादा मिलता है गोवा को, जिसको गोवा को मिलता है 24 TMC, उसके बाद मिलता है आप देखेंगे उसके बाद कर्नाटका को मिलता है KR, ठीक है, 3.4 TMC, उसके बाद MH महाराष्ट्र को मिलता है 1.33 TMC। तो इस तरीके से ये आपको पूछ सकता है वहाँ पे क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो TMC जो वाटर जो अवेलेबल है किस स्टेट के लिए, और जो ड्रेनेज एरिया भी है, ड्रेनेज एरिया भी आप देखेंगे कि तो सबसे ज़्यादा गोवा में ही है 1580, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटका में आप देखेंगे तो 375, उसके बाद महाराष्ट्र में 77, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में आइए सब, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा फैक्ट चीज़ को आप समझ लें। अब आ जाइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धानुला। एक्चुअली बुद्धानुला ये जो है ये है क्या, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं ये सीजनल स्ट्रीम है, एक्चुअली वाटर स्ट्रीम है एक्चुअली ये, ठीक है, सीजनल है एक्चुअली, ठीक है। जिस तरीके से नदी जो होती है सीजनल नदी होती है, ठीक है, जो मानसूनल सीजन पे डिपेंड करती है, तो ये जो बुद्धानुला जो है ये एक्चुअली आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूं बुद्धा नुला, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बुद्धा इज ए ग्रेटेस्ट, ठीक है, नुला इज सम डिफरेंट वर्ड ओवर देयर। तो बुद्धा नुला इट इज ए सीजनल वाटर स्ट्रीम विच रन थ्रू द मालवा रीजन ऑफ पंजाब। ये एक्चुअली रन करता है कहां पे, मालवा रीजन ऑफ पंजाब, ठीक है, वहां पे रन करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इट पासेस थ्रू लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, जो पंजाब में जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, एंड ड्रेन इनटू सतलज रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। एक्चुअली जो ड्रेन है, एक्चुअली ये जो ड्रेन करता है वो सतलज रिवर पे करता है, सतलज रिवर, और सतलज रिवर के बारे में आपको जानना चाहिए, ट्रिब्यूटरी है ये इंडस रिवर का। इस तरीके से चीज़ों को जानने की जरूरत है कि बुद्धा नाला नलवा एक्चुअली देखने में लग रहा है कि कुछ नाम है, लेकिन ये एक्चुअली सीजनल वाटर स्ट्रीम है, सीजनल वाटर स्ट्रीम, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है सो आप एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि जो पंजाब गवर्नमेंट एक्चुअली क्या किया है कि इसको रिजुविनेशन के लिए, एक्चुअली जो बहुत ही अच्छे पॉल्यूटेड एक्चुअली ये वाटर स्ट्रीम है, इसको ठीक करने के लिए 650 करोड़ रुपया अप्रूव्ड किया है, 650 करोड़ रुपया अप्रूव्ड बाई पंजाब गवर्नमेंट, बाई पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझे कि रन एक्चुअली कहाँ बहता है, एक्चुअली मालवा रीजन ऑफ पंजाब में, इसका जो ड्रेन है एक्चुअली ये सतलज रिवर पे जाके गिरता है, और सतलज रिवर आपका है सो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का,
तो उसके ये चीज आपको बुद्धानुला के बारे में जानने की जरूरत है कि ये एक्चुअली वाटर सीजनल वाटर स्ट्रीम है, ये ऐसा कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आप लोग कंफ्यूज कर जाए वहां पे, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कि बहुत एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले टाइम ऐसा यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था यूपी की एक नदी के बारे में कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नदी कौन है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए यहाँ पंजाब से रिलेटेड ऐसी कुछ बातें आई है जो ये बहुत पॉल्यूटेड है एक्चुअली ये रिवर्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आ जाइए नेचर रैंकिंग इंडेक्स की बात, एक जो दूसरा टॉपिक है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020, ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है नेचर रैंकिंग 2020। तो ये एक्चुअली आपको सबसे पहले ये एक्चुअली जो CSIR जो है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है हैज रैंक फर्स्ट इन द नेचर रैंकिंग इंडेक्स, जो CSR जो है CSIR ये फर्स्ट रैंकिंग है, इनको फर्स्ट रैंकिंग मिला गया, इसमें गॉट फर्स्ट रैंकिंग, ठीक है, CSIR जो नेचर रैंकिंग इंडेक्स है CSIR को फर्स्ट रैंकिंग मिला गया दिया गया है। उसके बाद इसमें समझने की जरूरत है कि ये जो रैंकिंग है किस बेस्ड पे मिलता है, तो द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द नेचर इंडेक्स, बेस्ड ऑन द नेचर इंडेक्स ए डेटा बेस कंपाइल्ड बाय साइंस जनरल नेचर रिसर्च, जो कंपाइल्ड किया जाता है डेटा बेस रिसर्च सेक्टर में जो चीजें होती है, ठीक है, उसके बेस्ड पे ये है सो दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, कुछ रैंकिंग है, मैं अभी बताया कि जो बेस्ड होता है ये जो बेस्ड होता है किस पे बेस्ड ये रैंकिंग निकाला जाता है, तो ये बेस्ड होता है एक्चुअली टोटल रिसर्च आउटपुट क्या है, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट का वो रिसर्च करके उनका जो आउटपुट जो सबसे ज्यादा है उसे ये नेचर रैंकिंग इंडेक्स दिया जाता है। तो CSIR को फर्स्ट रैंकिंग दिया गया है। उसके बाद पांच रैंकिंग है जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है CSIR, उसके बाद मिला IIS, ठीक है, उसके बाद मिला IISc बेंगलोर, उसके बाद मिला है TIFR मुंबई, उसके बाद मिला है HBNI, इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को सेकेंड मिला है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई को थर्ड वन मिला है, होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI को फोर्थ वन मिला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो नेचर रैंकिंग इंडेक्स है 2020 वो CSIR गॉट फर्स्ट रैंकिंग, उसके बाद IISc बेंगलोर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जान के रहने की जरूरत है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ऐसो जो G20 मीटिंग जो हुआ, पहली बार सऊदी अरेबिया को ऐसो प्रेसिडेंसी दिया गया G20 मीटिंग, ठीक है, जो G20 मीटिंग हुआ, तो इसमें आप एक चीज जान ले कि सऊदी अरेबिया इज द फर्स्ट अरब नेशन टू होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी, फर्स्ट अरब नेशन है सऊदी अरेबिया हैज होल्ड फर्स्ट नेशन टू गॉट G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो जो सऊदी अरेबिया वो उसे ऐसो उन्हें वो पहला है सो ऐसा नेशन है अरब कंट्रीज का जिसे है सो G20 का प्रेसिडेंसी मिला है। लेकिन चूंकि आपको मैं बता दूं कि इट प्रोजेक्ट ए भी सेव्ड रैपिड रिकवरी, एक्चुअली ये जो स्टार्ट किया गया था G20 इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न था जो COVID-19 यानी कोरोना वायरस का जो प्रकोप पूरे वर्ल्ड में हो रहा है तो उसको किस तरीके से है सो उस पर कंट्रोल किया जाए, तो इसलिए ये G20 का मीटिंग सऊदी अरेबिया में किया गया, ठीक है। उसका थीम एक्चुअली था कि रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, थीम था रियलाइजिंग
अपॉर्चुनिटी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज टीज ऑफ 2021 ठीक है ऑफ द ऑफ नो 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 ऑफ द 21st century तो ये रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी ये थीम था G20 मीटिंग जो सऊदी अरेबिया में हुआ ठीक है तो इस तरीके से है सो हम लोग ये सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं और कुछ फैक्ट बॉक्स है जो मैं आप लोग को है सो चलते चलते कुछ बता देता हूँ जो आप लोग जान ले कि जो मलई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मलई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिचुएटेड कहाँ है कर्नाटका में ये आप ध्यान रखेंगे कर्नाटका में सिचुएटेड है और द मलई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व सून ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उसमें टाइगर रिजर्व उसे बहुत जल्दी बनाने की बात हो रही है वो बन जाएगा उसके बाद कर्नाटका गॉट 6 टाइगर रिजर्व उसके बाद कर्नाटका में 6 टाइगर रिजर्व में हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको कुछ जानना है और जो पाके टाइगर रिजर्व वो कहाँ सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में तो फैक्ट बॉक्स की बात अगर हम लोग यहाँ पे कर ले थोड़ा सा फैक्ट बॉक्स की बात कर ले तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट के रूप में यहाँ दे देता हूँ फैक्ट बॉक्स सबसे पहला जो पाके टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये आप लोग ध्यान रखेंगे फर्स्ट फैक्ट बॉक्स दूसरा जो फैक्ट बॉक्स है वो जो मलाई मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ है कर्नाटका में तो वो कर्नाटका में जैसे ये एक्चुअली इसे टाइगर रिजर्व भी बनाने की बात हो रही है तो जैसे ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा उसके बाद कर्नाटका गॉट 6 टाइगर रिजर्व तो कर्नाटका को में 6 टाइगर रिजर्व वहाँ पे है सो हो जाएगा फिर आप एक चीज़ देखेंगे केवल जो तीसरा जो मैं बात कर रहा हूँ केवल रिजर्व टाइगर रिजर्व कहाँ पे है केवल टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन तेलंगाना तो इस तरीके से जो टाइगर रिजर्व की जो मैं बात कर रहा हूँ ये फैक्ट बॉक्स के रूप में मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ ठीक है तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे और विटला टेम्पल कहाँ पे विटला टेम्पल इज सिचुएटेड इन हम्पी ठीक है तो जो विटला टेम्पल है वो हम्पी में है तो इस तरीके से आप लोग को फैक्ट बॉक्स ग्रुप में मैं आप लोग को तीन चीज बताया जो पाके टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में मलाई महादेश्वरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कर्नाटका में है और इसे टाइगर रिजर्व के लिए नॉमिनेट किया गया है अगर इसे मिल जाता है तो ये कर्नाटका हैज गॉट 6 टाइगर रिजर्व उसे मिल जाएगा उसके बाद केवल जो टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना में पाया जाता है ठीक है उसके बाद जो विटला टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है तो हम्पी में है विटला जो टेम्पल है वो हम्पी में है ठीक है तो इस तरीके से आज हमारा है सो ये सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और आप लोग से फिर से मैं सो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा COVID-19 से थोड़ा सा बचे सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग मेंटेन करें और साथ ही साथ लोगों को अवेयर करें ऑनलाइन से ना कि उनके साथ मिलना है फ़ोन पे ही लोगों को बताएं किस तरीके से घर में आप रहे लॉकडाउन का पूरे रूल को फॉलो करें और मैं आप लोग को इंश्योर करता हूं कि यूथ पावर आईएएस एकेडमी आप लोग के साथ ये कंप्लीट 1 ईयर का